हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द अमेजिंग जैक। सो गाइस, होपफुली आप सब अच्छे से होंगे और आज हम फिर से आ गए एक और एक अनबॉक्सिंग लेके। जो प्रोडक्ट का आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे वो है फेस विंडशील्ड। ये प्रोडक्ट मैंने एक साइट से लिया था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसका जो ओवरऑल एक्चुअल कॉस्ट है वो 899 का है, बट मुझे ये 799 में पड़ा था। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं बाइक से अप एंड डाउन, उनका काफ़ी जो लंबा रूट रहता है वो लोग के लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। इवन मैं पर्सनली काफ़ी दोनों से ऐसी विंडशील्ड ढूंढ रहा था जिसको पहन के मैं प्रॉपरली कूल लगूँ एंड जो मेरा फेस प्रॉपरली कवर रहे और पॉल्यूशन से डस्ट से सेफ रहे। एंड इवन जैसा कि मैं आपको बता दूँ, हेलमेट के अंदर जो वाइजर होता है वो काफ़ी इतना कूल नहीं लगता है एंड उस पर थोड़ा भी डस्ट बैठता है तो वो प्रॉपर से दिखता नहीं, विजन क्लियर नहीं रहता है। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है गाइस। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको 2 दिन पूरा यूज़ किया हूँ और मैं आपके साथ इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो शेयर करूँगा। इवन ये जो प्रोडक्ट का ओवरऑल जो क्वालिटी है वो कैसा है, कंफर्टेबिलिटी में कैसा लगता है, हेलमेट के साथ कैसा लगता है, विदाउट हेलमेट कैसा लगता है, डिटैचेबल के साथ, विदाउट डिटैचेबल आप कैसा भी इसको वेयर कर सकते हैं, मैं आपको सब व्यू दिखाऊँगा। सो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए एंड जो भी इसका बेस्ट रहेगा मैं आपको पूरा अच्छे से अच्छा शेयर करूंगा, इसका जो एडवांटेज है वो भी और डिसएडवांटेज है वो भी। सो चलते हैं हम अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। सो गाइज, ये है हमारा प्रोडक्ट। अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया है, अब इसको ओवरऑल अच्छे से एक बार देख लीजिए। बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो स्टील बर्ड का है। यहाँ पे इधर एक स्पंज भी लगा है जो कि आपको फेस के लिए जब आप यहाँ पे लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देता है। एंड ओवरऑल जो प्लास्टिक इसका बहुत ही अच्छा है, इतना वो नहीं है। सेकेंड थिंग, इसका जो शेड है ये स्मोकी ब्लैक है, इसमें और भी शेड्स अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है। बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आया सो मैंने ये पिक किया हूँ। एंड जो इसका जो बैंड की क्वालिटी है इलास्टिक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये। एंड ये डिटैचेबल होता है तो पहले मैं आपको इसको बताता हूँ, ये देखिए तो पूरा फेस कवर हो गया, आप देख सकते हो मेरी आईज, मेरा नोज, देन मेरा माउथ पूरा ओवरऑल कवर हो गया है प्रॉपरली। आपको जो पॉल्यूशन डस्ट से आपको प्रॉपरली सेफ रखता है ये। एंड ये जो है प्रोडक्ट, इसको डिटैचेबल भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटैचेबल करके भी दिखाता हूँ इसको। ये हो गया डिटैचेबल, अभी ये हो गया हमारा डिटैचेबल, ये देखिए। अब इसको आप भी ऐसा भी पहन सकते हो, कूल है एकदम, नॉट बैड। हेलमेट के साथ पहनना है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है गाइस, मैं इसको यूज़ किया 2 दिन, बट ध्यान रखना है जब आप इसको पहनते हो तो आप इसको हेलमेट के ऊपर भी पहन सकते हो या फिर ये अंदर पहन के हेलमेट ऊपर पहन सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूँ तो इसको जब आप पहनोगे ना तो ये जो इसका ये जो इलास्टिक है ना उसको थोड़ा ऊपर रखना, बिकॉज देखिए जब ये अपने यहाँ पे कान से टच होता है ना तो ये हेलमेट को थोड़ा भी आप जब चलाओगे तो ये स्लोली स्लोली नीचे आता है, तो यहाँ पे भी देन वो पेन स्टार्ट होता है। सो आप इसको कोशिश कीजिए इसको थोड़ा ऊपर ऐसा रखिए, पेन के लिए ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा आप सिग्नल पे जब रुकोगे तो आपको थोड़ा गर्म होगा जिससे आपको मतलब थोड़ा इरीटेट पर लगता है, बट जब बाइक चलते रहेगी फ्लो में हवा आते रहते तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। एंड सबसे बेस्ट इसकी एक बात मैं आपका प्लस पॉइंट ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट को आप रात में भी पहन के आ सकते हो, प्रॉपरली क्लियर दिखता है हर चीज़। एंड इवन जो सामने से व्हीकल आता है उसका ये लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसे भी आपको ये बचाता है एंड एकदम प्रॉपरली, जैसे कि नॉर्मली इससे पहला भी मैंने ग्लासेस यूज़ किया हूँ नाइट विजन के, बट कुछ मतलब का नहीं रहता है, उल्टा जब जो लाइट की रेज आती है वो और ज़्यादा ना ब्लर कर देती है आईज के वहाँ पर, तो बेटर रहेगा कि आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड 799 में इतना अच्छा फेस शील्ड है जो कि इतना कूल है और क्या चाहिए। सो प्लीज़ ये प्रोडक्ट को आप मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँ गाइस, तो मेरे हिसाब से थम्स अप बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एंड प्लीज़ ये वीडियो को आप अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ अपने जो कमेंट सेक्शन है वहाँ से पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द अमेजिंग जैक। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।